दिल्ली के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े कई किस्से सामने आते रहते हैं, लेकिन शायद कभी उनकी मुंह जुबानी किस्सा आपने नहीं सुना होगा। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के वन्य प्राणी सप्ताह के समापन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने पहले प्रकृति शिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इसके बाद संबोधित करने के दौरान उन्होंने सांप के काटने की बात का जिक्र करते हुए एक किस्सा सुनाया। सांप किसी व्यक्ति को अचानक नहीं काटता है। मैं एक दिन की बात बता रहा हूँ कि मैं एक जगह गया था एक कार्यक्रम में। मैं कमरे में बैठा हुआ, तब तक बाहर हल्ला होने लग गया। मैं बाहर आया, मैंने देखा एक बड़ा मोटा सांप एक कमरे के अंदर घुस रहा था। मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे भी देख के आश्चर्य हो, मैंने कहा सांप काट देगा किसी को? तो वहां जो स्थान था वहां एक साधु रहता था, उसने कहा नहीं नहीं इसको मारना मत, इसको मारिए मत। मैंने कहा क्यों? कहा कि किसी को काटता नहीं है। अब आप सोचिए, सांप का नाम देख करके सामान्य रूप से मनुष्य भयभीत हो जाता है। तो मैंने कहा ये कब से यहां पर है? कहा कि ये तो वर्षों से है, ऐसे ही आता है, घूम करके फिर निकल जाएगा, अपने आप चला जाएगा। यानी ये चीजें इस बात को साबित करती हैं कि कोई भी जीव जंतु किसी भी मनुष्य को तब तक नुकसान नहीं पहुंचाता है जब तक कि उसको स्वयं उस मनुष्य से खतरे की आशंका न हो। बताते चले आपको कि वन्य जीवों पर आधारित प्रतियोगिता के विजेताओं को सीएम योगी ने सम्मानित किया। इस दौरान बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। तो वहीं 100 से अधिक जंगली जानवरों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर चुके लखनऊ जू के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला को भी सीएम योगी ने पुरस्कार से सम्मानित किया है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।